चिराग जी से बात, हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा? नहीं, गलत बात है। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता है कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको 20 वो है। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते ना कि चिता चलिए जा नामांकन में चलिए। और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग, आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया, नहीं बेचा गया। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में चौथे चरण का मतदान होना है, यानी वोटिंग होनी है, मगर उससे पहले ही एनडीए में बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। टेंशन देखिए पहले भी देखने को मिली चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच। एक तरफ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपति कुमार पारस के भतीजे चिराग पासवान हैं, तो दूसरी तरफ चाचा पारस। देखिए, ये टेंशन उस वक्त भी देखने को मिली जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबे में टिकट बंटवारा हो रहा था, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में टिकट बांटने के बीच तकरार मिली और जिसके बाद चाचा पारस ने इस्तीफा दिया। मगर थोड़े दिन के बाद अपने एक्स हैंडल पर चाचा पारस ने पीएम मोदी को लेकर जो है कई बातें लिखी, कई बातें उन्होंने पीएम मोदी के पक्ष में लिखी और जिसके बाद तकरार खत्म हुई। मगर एक बार फिर से जब चौथे चरण का मतदान होना है, जब चुनाव प्रचार चरम पर है, बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ INDIA के नेताओं को जवाब मंच से दिया जा रहा है। इस बीच चाचा पारस ने चिराग पासवान को लेकर बड़े खुलासे कर दिए हैं। सांसद प्रिंस राज चिराग पासवान के भाई हैं, उन्होंने भी टिकट बेचने पर बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, चाचा पारस ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि वो छोटे हैं, उन्होंने मुझे इन्विटेशन नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया, तो अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया, अपने नामांकन में नहीं बुलाया, नॉमिनेशन में चाचा पारस नहीं गए। जबकि बीजेपी के बड़े नेता भी नज़र आते हैं, मगर चाचा पारस नदारत नज़र आते हैं। अब ऐसे में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो नहीं बुलाएंगे तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, वो छोटे हैं, उनको आना चाहिए। देखिए, चाचा पारस ने चिराग पासवान पर बड़ा बयान दिया है, साथ ही भाई प्रिंस राज ने भी खूब बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं चाचा पारस और प्रिंस राज, जरा इस वीडियो में सुनिए। हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हम लोग आज से नहीं लगभग 47 वर्ष पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे और हमारा नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहां रहते हैं हम लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से काम करते हैं। हम NDA गठबंधन में 2014 से लेकर अभी तक है, मैं पहले भी घोषणा किया था कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं NDA गठबंधन के साथ रहूंगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पार्टी का पूरी कोशिश रहेगा कि हम बिहार में 40 में 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं रोज NDA के उम्मीदवार से बात करता हूँ, आज भी मैं ललन बाबू से बात किया हूँ, मुंगेर गिरिराज सिंह से मैं बात किया हूँ, सुशील कुशवाहा जी से मैं बात किया हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बात कर रोज हमारी बात से। सर, तो चिराग जी से क्यों नहीं बात कर रहे? चिराग जी से बात, हम चिराग हमसे छोटा है, मेरा भतीजा, वो हमसे बात करेगा, हमसे बात करेगा? सर, 40 नहीं, गलत बात है। प्रश्न पूछिए सही। जो आदमी प्यासा होता है वो जाता कुआं पर पानी पीने के लिए, कुआं उठ के चलाता उसको पानी पिलाने के लिए। तो सर, मोदी जी के लिए तो आप जा सकते हैं ना चिराग? मैं तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा मैं जाऊँगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोदी जी का, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, जहाँ जहाँ हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, औरंगाबाद में हुआ, मैं वहाँ गया। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा कि आपको 20 वो है। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए, हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय के मैं रहता हूँ इसी में। चिराग पासवान जी रोज 2 बार आते और जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए, तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चले चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया, लेकिन आपने, मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी, वो तो उम्मीदवार हैं, इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी, आगे कहते ना कि चिता चलिए जा नामांकन में चलिए,
इसलिए ये सब देखिए, ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार मुलायम साहब जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ। चलिए, और प्रधानमंत्री जी, हाँ प्रधानमंत्री, और दिया भी गया और दिया भी जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है जी। अब एक साथ जो जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं सबको नौकरी देना तो संभव नहीं है, क्रमशः होगा धीरे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था भी की, उसी तरह से तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री चुन के आएंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, फिर हम लोगों का एक अभियान होगा कि देश में जितना बेरोजगार नौजवान है उसको निश्चित रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए। रेंका ने कहा कि ओवैसी जो है बीजेपी के काम कर रही है, रेंका गांधी ने कहा है। देखिए देखिए, ये सब तो विपक्ष का काम है विरोध करना, आप कितना सरकारी पक्ष के लोग कितना अच्छा काम करेगा तो विपक्ष उसका विरोध करेगा। ओवैसी पर सारा नहीं, ओवैसी क्या कर, ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो अपना देश में पूरे देश में अपना चुनाव अपने उम्मीदवार को लड़ाता है, उसमें बीजेपी का कहीं कुछ लेना देना नहीं। हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा है और एनडीए के जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं हम लोग सब जगह जा रहे हैं, सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारा प्रोग्राम दरभंगा में लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, फिर मुंबई भी जा रहे हैं, और सभी जगह जितने भी अपने एनडीए के प्रत्याशी हैं सभी जगह हमारी जितनी भी जहाँ जहाँ जिला में हम हमारी जो भी हमारी पार्टी के हमारे कमेटी के सदस्य हैं सभी कोई अपने एनडीए प्रत्याशी के जिताने में पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। और बिहार में जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग इस बार 40 में से 40 सीट जीतने वाले हैं, और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 400 पार हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पार करने वाले हैं। जब तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ है, संपन्न हुआ है, उससे जिस तरीके से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, आप ही देख लीजिए तीसरे चरण का जब चुनाव जिन उसका जो प्रतिशत जो बढ़ा है वो काफ़ी हम लोगों के फेवर में है, और हमें ऐसे लगता है कि अनुमान जब चौथे चरण का जब चुनाव होगा उसमें भी इसी तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। चिराग जी बोल रहे हैं कि चाचा के लोग हमें हराने पर लगे हुए हैं। देखिए उनका जो ये अनुभव उनको जो मिल रहा है ये कहीं ना कहीं उनका जो टिकट बांटने का जो तरीका था, और जिस तरीके से आप लोग मीडिया लोग आप लोगों ने जिस तरीके से ये खबर आप लोगों ने चलाई कि किस तरीके से टिकट को बेचा गया नहीं बेचा गया, तो ये आई थिंक ये इसके आप जब उन्होंने जब प्रत्याशियों का जब घोषणा किया तो उन्हीं के पार्टी के 21 लोग ने इस्तीफा दे दिया, 22 लोगों ने उन्हीं के पार्टी के थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्हीं के पार्टी के लोग हर जगह सभा कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सभी कर रखा है, ये हमारे पार्टी के नहीं है। हमारे पार्टी के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मजबूती के साथ एनडीए के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो उनका क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन सनातन धर्म का हम लोग पालन कर रहे हैं, और हमारे नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम आएगा, हम लोग 400 पार पूरे देश में करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग जी जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारे हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आए हैं, चिराग जी जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे? हम लोग खगड़िया में भी थे, वहाँ हमने मजबूती से हम लोगों ने वोट डाला है, और अपने प्रत्याशी हम लोग अपने प्रत्याशी जो हम लोगों के वहाँ है उसके फेवर में हमने वोट डाला है, और अच्छा माहौल है इस तरीके से कहना, हमें लगता है ये मीडिया एक बनाना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है। देखिए जब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान जी की विचारधारा की पार्टी है, किसी के हिम्मत नहीं है इसके ऊपर कोई सवाल उठा ले। तो आपने सुना है चुनाव प्रचार चल रहा है, और चुनाव प्रचार में दमखम एनडीए एक तरफ दिखा रही है तो दूसरी तरफ INDIA। अब ऐसे में चिराग पासवान के चाचा और उनके भाई प्रिंस राज ने बड़े खुलासे भी कर दिए हैं, टिकट बेचने पर भी बोला है। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने टिकट बांटा उस पर प्रिंस राज ने जमकर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि उसके बाद 21 से 22 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया, चिराग पासवान को झटका लगा। अब इससे वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने किस तरीके से टिकट बांटा है। चाचा पारस हाजीपुर जाएंगे चिराग पासवान के चुनाव प्रचार करने के लिए, उस पर भी खुलकर चाचा पारस ने कहा है। देखिए आने वाले दिनों में
खलबली मचेगी, क्या होगा? चुनाव प्रचार चल रहा है, चौथे चरण का मतदान बिहार में होना है, मगर उससे पहले ही एनडीए में टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रही है। पीएम मोदी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है, देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर बस इतना ही। अगर आपने तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।